देखो पापा क्या लेकर आए हैं। पापा ये क्या लाए हो? हरप्रीते। मैं ऊपर से एक पतंग लूट के लाया हूँ। चल अभी चलो हाँ चलते हैं, अभी तो धूप नहीं है वैसे ऊपर। चलो तो रुक गया। मैंने देखा है वैसे ऊपर काफी लोग चढ़ाने लगे हुए हैं पतंग, मतलब हम लुटा हुआ पतंग चढ़वाना है। इसमें क्या है, अपने आप आ गए, हम कहाँ किसी के घर गए और थे। ये डोर कहाँ से मिली है? डोर भी ये देखो दो रंग की है। लुटी हुई है उसके ऊपर। जब हम छोटे छोटे होते थे तो कई रंग की डोर हो जाती थी, चार पांच कलर की। हाँ तो अभी तो ये नीचे वाली तो अपनी है, अच्छा अच्छा ये इतनी डोर इसके साथ आई थी। चलो चलते हैं चलते छत हैं। पे जब गया तो डोर ऐसे लगी मेरे, मैंने पकड़ लिया, ले आया नीचे। चल चलो 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 चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे को जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे खूब पतंग चढ़ते हैं, अभी भी बहुत सारे पतंग जो है ऊपर चढ़ रहे हैं, और पापा भी जो है तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं कुछ यहाँ पे बातें कर रहे थे कि अपने बचपन की यादें ताज़े कर रहे हैं। ये पतंग लूट के लाए थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसको जोड़ा है अभी पापा ने, और ये कितने सारे जो है न्यू भी ले आए हैं, बोल रहे हैं कि हम ये देखो भी है अपने पास, नए भी लाया हूँ, ये भी है एक पुराने वाला, पुराने वाला भी है। ये अपने आप आ गया था अपनी छत पे, ये वाला। हाँ। ये यहाँ से फट गया था। बचपन में जब पतंग कोई फट जाता था ना, जेब में पैसे नहीं होते थे तो हम ऐसे जोड़ के उसका ऑपरेशन करके फिर इसको चलाते थे पतंग को। पहले कौन सा चढ़ाएंगे, यही वाला? इसी को उड़ाएंगे ये। चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है ये। हाँ, अब हमारे पास इतने सारे काइट्स हो गए हैं, और अभी ऊपर बहुत ज्यादा धूप है, पर फिर भी जो है सब लोग चढ़ा रहे हैं, तो हम भी जो है चलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, अभी थोड़ी देर में ही जो है चढ़ाने का मजा आएगा, क्योंकि फिर बाद में सब लोग चले जाएंगे तो फिर हम अकेले ही रह जाएंगे। ऊपर जाके तैयारी करता हूँ, आप करो, मैं आती हूँ आती हूँ। गाइस, अगर आपको पतंग दिख रही है ना, देखो आवाज भी सुन सकते हो आप लोग, इतने पतंग चढ़ रहे हैं इधर देखो। ये हमारे से दूर है, हम तो इधर इधर ही चढ़ाएंगे, इधर तो एक दो की हैं, इस साइड पे भी हैं थोड़े से। ये देखो मुंडा बैठ के ही पतंग चढ़ा रहा है। उसका क्या हुआ? बैठा है अच्छा, वो उसका ज्यादा ऊपर चला गया होगा, या तो बैठ के ही चढ़ा रहा है आराम से। कईयों ने सॉन्ग्स भी लगाए हुए हैं ऊपर, पर हम लोग सॉन्ग्स नहीं लगा सकते वरना कॉपीराइट आ जाएगा। मम्मा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो बोल दो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, आज़ादी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मम्मा अभी अभी हेयर वॉश करके आए हैं, गिल्ले हैं बाल मेरे, और ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है यार, पता नहीं लोग इतनी देर से कैसे, मुझे लग रहा है हम लोग एक आधा ही चढ़ा पाएंगे। सवेर दे लगे हुए हैं बच्चे, सुबह से लगे हुए हैं, और क्या धूप की परवाह नहीं है। बड़े बच्चे जरूरी नहीं, बच्चे ही हैं, बड़े भी बड़े हैं, भी हैं। पापा तो ना अपने और ही काम में बिजी है ना, बच्चे ही बन जाते होंगे। हाँ बोले, नीचे बोल रहे थे मैं अपने बचपन की यादें ताजा कर रहा हूँ। बोले जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे ना, हम ऐसे लूट लूट के टेप लगा के चढ़ाते। जो लूटे हुए वाले वो चढ़ाने हैं पहले। ये रहा हमारा काइट, और पापा को गर्मी देखो कितनी आ गई है, ये पूरी शर्ट गीली होगी। हवा ही उस तरफ की है जिधर सारे पतंग चढ़ रहे हैं। वो चाहिए गॉगल्स, सनग्लासेस, शर्ट देखी, शर्ट निकल गई। क्या हालत होगी एक पतंग। सबकी यही हालत है। हाँ जी, थोड़ा और ऊंचा। हाँ ये रोज आता है यार, इन्हें चला गया, अगर कोई ना होता ना अगर यहाँ पे तो इसने आ जाना था इधर। स्टेबल है, बो जाते हैं जो उन पे पहले ध्यान जाता है। हाँ पकड़ती हूँ, मम्मा पकड़ो, वीडियो बन रही है इस पे। मेनू आंदा नहीं है यार, पापा मैं तो डिग जाना यार, जल्दी आ जाओ। क्या गया गया, गया, गया। मेरे को
डर लगता है कि अगर गिरा तो पहले बचपन में चढ़ा लेती थी लेकिन मैं को टेक्निक नहीं पता। किधर गया पतंग? पतंग नानू दी भी कर दो भाई, तो इन्हें भी कैमरे च ले लो। नानू वीर नु भी दिखाओ की हालत है गर्मी दिख रहा कि नहीं? दिख रहा दिख रहा। चल बधाइयां दे इंडिपेंडेंट डे दियां। ਤਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਰਮੀ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਾਪਾ ਡੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਪਤੰਗ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਡੋਰ ਪੜ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਕੋ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ ਯਾਰ ਹੱਥ ਸੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਛੋੜ ਦਿਆ ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਾਏ। ओरे ओरे बाप रे गया। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन हुआ हुआ है। तेरी अपने वाला फट गया यार। फट गया अपने वाला? ओहो काट दिया काम पर्पल वाला। ये अपने वाले ने फट्टड़ होके काट दिया। चलो फिर भी स्ट्रॉन्ग निकला। जख्मी हो गया। दो पतंग काट दिए और हमारे वाला जो है फट गया पतंग। लेकिन हम फिर भी जो है उतार लो अब नीचे। अब कटवा लिया। हो गया था ना फट्टड़। गया गया गया। ज्यादा मेरी तो बस है क्योंकि ये तो पता नहीं यार कौन लोग हैं सुबह से शाम तक अभी तक हैं और ये लोग अभी भी जाने नहीं वाले। पर इट्स टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है। पापा की भी बस हो गई है, हम चलते हैं अब नीचे। और मम्मा ने शायद बना दी चाय, बन गई है। क्या बोल रहे? इतने अभी पतंग भी पड़े हैं, डोर भी पड़ी, कोई बच्चा चढ़ा लेगा। अब आपकी हालत देख के पता लग रहा है एक ही बहुत है हमारे लिए, एक ही बहुत है, मेरे बस की तो नहीं है। और वैसे भी यार इतनी गर्मी में बीमार होना बाद में एक शगुन के लिए या फिर अपना बस शौक पूरा करने के लिए एक उड़ा लिया। चलो शगुन की हुंदा वा, पतंग दा की शगुन? नहीं पतंग का शगुन तो नहीं, मुझे वैसे पता है। ये तो शौक के लिए उड़ा रहे हैं कि कोई रीजन है? नहीं नहीं ये खुद ही आ गया। ये तो भगवान ने दिया, जो खुद घर में आया उसको हम जाने नहीं देते। डोर भी है साथ में। चलो छोड़ दो इसको ऐसे ही। कुछ रीजन है मम्मा पतंग का? नहीं नहीं रीजन नहीं, वैसे ही गल कर दिया कि शगुन तो चलो मेनू पता नहीं हैगा। जिदा पतंग हवा च आजाद है उसी तरह से हम भी आजाद हैं अब। अच्छा ये रीजन है? ये रीजन है इसका मेरे ख्याल से, बाकी पता नहीं। हाँ हम ये रीजन मान सकते हैं कि हम भी जैसे पतंग की तरह आजाद है, बिल्कुल आजाद है हवा में, अपनी मर्जी से इधर उधर कहीं भी जा सकती है। तो पहले हमारा ये हाल नहीं था अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद की जो आजादी है वो हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं इसको। चलो चलिए नीचे चलते हैं। पंछी आजाद, हम भी आजाद। बहुत पतंग ने आज बहुत बहुत ज्यादा। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नीचे, ये फ्लैग लेकर जा रहे हैं। जो भी बच्चे होंगे नीचे उनके साथ बातचीत करती हूँ और उनको पूछती हूँ जो छोटे बच्चे हैं कि आज का दिन जो है वो क्या है, क्या बच्चों को पता है या नहीं पता। लेट्स सी। अच्छा आज आज क्या है तुमको पता है क्या है? आज 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ है? क्या होता है 15 अगस्त को? 15 अगस्त को क्या होता है नहीं पता? पढ़ता है कोई? पढ़ता है तुम में से? अच्छा ये क्या है ये मालूम है? झंडा। चलो पहले तो ये ले लो, फिर मुझे मुझे बताओ किसको पता है कि आज क्या है। जिसको पता है फिर उसको चॉकलेट मिलेगी, सोच के बताओ। किसी को नहीं पता। पढ़ता है कोई है? तू पढ़ता है नहीं पढ़ता? हम दोनों पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? मैं थर्ड में, ये फर्स्ट में। फर्स्ट में है। कभी मैडम ने बताया नहीं कि 15 अगस्त को क्या हुआ? कुछ नहीं बताया? वाह ये जो झंडा है ये हमारे इंडिया का फ्लैग है ना, तो 15 अगस्त को हमारा ये देश जो है आजाद हुआ था। बच्चों की समझ में नहीं आएगा अभी। नहीं हमारे देश के ऊपर ना जो
बाहर के मुल्क के लोग थे ना, उन्होंने कब्जा करा हुआ था, तो आज हमारा देश आजाद हुआ था उससे, इसलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। तुम्हारे घर में अगर कोई दुश्मन आ जाए, कोई बाहर का है ना, बाहर वाला लोग कोई आएगा, तो फिर उसको मार के भगाओगे कि नहीं? भगाएंगे ना। ऐसे ही हमने भगाया था, हमने मतलब कि हमारे जो देश ऐसे करो चलो। हाँ, झंडे को प्रणाम करना है, झंडे को, तिरंगे को, तिरंगा है, ठीक है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, चलो हो गया। अब याद रखोगे आज कि क्या हुआ था? क्या हुआ था? तो नहीं है, अपने दोस्तों को बताना जाकर, ठीक है। इसको मैंने कहीं देखा हुआ लग रहा है, कितनी उड़ी गए हैं पता नहीं। चलो अब एक बार सारे जाने एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। चलो सारे एक साथ बोलो ऊंची आवाज में, बोलो जय जय। और एक बार दोबारा कर दो ऐसे सब, बोलो जय हिंद जय हिंद। इतनी गर्मी, सांस फूल जाती है गर्मी में। तो ये जो बच्चे थे ना, ये मतलब इनको मालूम इसलिए नहीं होता क्योंकि गाइस ना तो कभी कभी किन कई बच्चों के घर पे टीवी भी नहीं होगा और इनके पास मोबाइल फोन्स भी नहीं होंगे जिनसे इनको पता चलता रहे, और इसलिए उनको मालूम नहीं था। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो हमारे बदौलत एटलीस्ट उनको पता चल गया। मुझे वैसे लग रहा था कि बच्चों को पता नहीं होगा क्योंकि एक तो छोटे बच्चे थे और सेकेंडली जो है कई बच्चे इनमें से स्कूल नहीं जाते होंगे, सिर्फ 2 बच्चे ही थे जो स्कूल जाने वाले थे और वो भी काफ़ी बड़े थे। मैं हैरान हूँ कि उनको पता नहीं था, क्योंकि ये चीज़ वैसे बताते होते हैं स्कूल वाले, पर चलो कोई बात नहीं, स्कूल भी नहीं खोल रहे ना होना। हाँ तो चलो ठीक है, फाइनल चलो उनको मालूम पड़ गया, यही बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर कि वो भूलेंगे नहीं अब, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करके बच्चों को कोई चीज़ याद करवाते हैं ना तो उनको याद भी रहता है। तो अभी हम पीने लगे हैं चाय, ये रही चाय, एंड मैं आपसे बाद में थोड़ा रुक के बात करती हूँ। एंड सॉरी मैं आपको बताना ही भूल गई कि आज मैंने क्या पहना है। ये मम्मा का आइडिया था, सो मैंने जो है ट्राई कलर के कपड़े पहने हैं, मतलब ये आप देख सकते हो। सो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, सो खुद से जो है करके मैचिंग वगैरह करके किया है। और ये मैंने इयररिंग्स पहने थे, ये भी मम्मा के हैं इसमें से मेरा ये कुर्ता और ये प्लाजो है, बाकी ये दुपट्टा भी मम्मा का है, इयररिंग भी मम्मा के हैं। एंड आई थिंक ठीक है, ये वीडियो जो है और ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं पर वीडियो को एंड करना चाहूँगी, और अपना दिन भी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है एंड मुझे अभी और काम भी करना है। तो मैं मिलूँगी आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू जो भी ये वीडियो जो है मेरी देख रही है। तो ठीक है जी, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय बाय।